मूवी के स्टार्टिंग में हमें कबीले को दिखाया जाता है जो कि बर्फीली पहाड़ी में रहते थे और वो जंगली हाथियों का शिकार करते थे। लेकिन अब जंगली हाथिया उस बर्फीली पहाड़ी में बहुत ही कम आते हैं या फिर कभी कभी वो आते ही नहीं थे, जिससे उन कबीले वालों को भुखमरी का सामना करना पड़ता था। और इस बात से सभी कबीले वाले बहुत ही ज्यादा चिंतित थे। वहाँ पे एक बुजुर्ग औरत होती है और सभी उसे बड़ी माँ कहते हैं, और बड़ी माँ में आत्माओं से बातें करने की शक्तियाँ थी। वास्तव में उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम एवलेट था। कबीले का एक लड़का जिसका नाम डीले था, वो एवलेट को पसंद करने लगा था। डीले के पिता के पास एक सफेद भाला था, क्योंकि जब भी वह शिकार करने जाते थे तो सबसे पहले डीले के पिता ही शिकार करते थे। डीले के पिता एक यात्रा की योजना बनाते हैं। उसके बाद एक रात वह अपने मित्र से कहते हैं कि उन्हें आज जाना पड़ेगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि इस विषय में तुम कोई भी बात किसी को भी नहीं बताओगे और ना ही तुम मेरे यहाँ से जाने का कारण किसी को बताओगे। उसके बाद वो अपना सफेद भाला अपने दोस्त को देकर वहाँ से चला जाता है। पिता के वहाँ से जाने के बाद सभी डीले का मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे पिता यहाँ से भाग गए हैं।